तो चलिए शुरू करते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर सब्जेक्टिव की तरह देखे तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये ए माइनस बी के होल क्यूब पे दिख रहा है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोगों के पास x का वैल्यू पता है, तो हम लोग x इज इक्वल टू ले लिए हैं t की 2 प्लस रूट 3 है, और यहाँ डिमांड में है 1 बाई x का, तो इस 1 बाई इस चीज को लिखेंगे 1 बाई x, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 प्लस रूट 3। अब इसका हम लोग कर देंगे परिमेयकरण, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, हमें वैल्यू निकल के आया तो परिमेयकरण करते हैं, 2 प्लस है तो यहाँ से माइनस का रूट 3 और बाई 2 माइनस रूट 3 कर देते हैं। ये 2 माइनस रूट 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया यही रह गया, और ये दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। और यहां से हमने देखा कि 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 टू जा 4, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 3, यानी कि 2 माइनस रूट 3 बाय 1, यानी कि आ गया हम लोग के पास वैल्यू 2 माइनस रूट 3, किस चीज का वैल्यू 1 बाय x का वैल्यू। अब इसमें हम आराम से पुट कर सकते हैं, हम लोग के पास है x माइनस 1 बाय x का क्यूब निकालना, तो x की जगह पर हम लोग पुट करते हैं 2 प्लस रूट 3, जबकि माइनस 1 बाय x की जगह पुट करते हैं 2 माइनस रूट 3। माइनस के कारण साइन बदल सकता था, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, पावर में क्यू है क्यू चढ़ा दिए। अब हम लोग सबको कर देते हैं घर से बेघर, माइनस आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3, इसके पावर है क्यू। अब ये से ये हो गया कैंसिल, यहां से आ गया हम लोग के पास रूट 3 इंटू रूट सॉरी रूट 3 प्लस रूट 3, बन के बन गया 2 रूट 3 पर पावर क्यू, यानी कि यह हो जाता है 8, यह हो जाता है 8। अगर थोड़ा ध्यान से और देखो समझो तो दिखेगा तुम्हें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाता है अपना 8 मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 3 रूट 9, 9 मतलब हो जाता है 3, और यहाँ से बच जाता है रूट 3, यानी 8 + 3 = 24 रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो चलो इसको कर लो तुम लोग नोट।